नमस्कार, मैं विवेक डोगरा, आप देख रहे हैं प्राइम 18 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा सुर्खियों पर। आज दूसरे दिन भी आरटीओ ऑफिस में हड़ताल जारी है। हड़ताल में समस्त जिलों के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग लिया और हड़ताल को सफल बनाने को आह्वान किया गया। पदाधिकारियों ने अपनी मांग पूरी तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। विकास चौहान मंडल अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, प्रमोद वर्मा सचिव परिवहन कर्मचारी संघ, प्रशांत शर्मा प्रांतीय संगठन मंत्री व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। देखना होगा कि यह हड़ताल कितनी सफल साबित होगी। अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका धन्यवाद दूंगा, क्योंकि सबसे पहले हमेशा जब भी आंदोलन हुआ है तो इस विभाग के संगठन ने ही सम्मान सबसे पहले बचाया है, क्योंकि स्कूल कितने ही बंद रहे, शत प्रतिशत नहीं हो सकते, बहुत बड़ी संख्या है। और अन्य विभागों में कहीं ना कहीं यहाँ संगठन जो कि देरी से पैदा भी हुआ है, तो कई विभाग ऐसे जहाँ पर संगठन पूरी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, या वहाँ के लोग उतना जागरूक नहीं है, या वहाँ पर मोस्ट ऑफ द नंबर्स ऐसे ही इनको पुरानी पेंशन मिल रही है, नई लड़के नहीं है वहाँ पर, तो इस कारण से वो विभाग कई बार बंद नहीं हुआ। कोषागार हुआ या सबसे पहले आरटी डिपार्टमेंट है, अब आरटी डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा विरोध होता है, पब्लिक ही यहाँ पर आ जाती है, विभाग को बाद में दबाव बनाएगा, पब्लिक ही यहाँ सुबह 100-150 लोग खड़े हुए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि आप लोगों को विरोध का सामना भी करना पड़ता है, और शाम तक बंद रखने के लिए, एक दिन रोकने के लिए भी बहुत बड़े स्तर पर जागरूकपन चाहिए होता है। तो मैं इसके लिए कहूँगा हमारे सारे साथी जोरदार ताली बजाएं। सब चीज़ें सभी को पता है, मैं केवल यही कहूँगा कि इतने स्तर पर आके हम सभी एक हैं, चाहे शिक्षक हों, कर्मचारी हों, अधिकारी हों, जितना भी यूथ आए। तो ये हड़ताल आरटीओ ऑफिस में जो कर्मचारियों ने की हुई है, इसका कितना असर आरटीओ कार्यालय पर पड़ रहा है, इसके बारे में क्या कहना? असली ये राज्य कर्मचारियों की प्रदेश स्तर की हड़ताल है, आरटीओ ऑफिस में इसका असर है। कुछ आवश्यक कार्य मैं करा रहा हूं, जैसे टेम्परेरी परमिट है, बंद गाड़ियों को छोड़ने का है, ऐसे लाइसेंस जो एक्सपायर होने वाले हैं, तो जो अत्यंत आवश्यक कार्य है जिससे पब्लिक को नुकसान होने की संभावना है, वो कार्य तो मैं करा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद कार्य प्रभावित। कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों से कोई बात की गई है हड़ताल इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, या हम लोग कब तक ये करने के समापन करने के? कल भी बात की गई थी मेरे द्वारा और आज भी बात की गई है। हड़ताल समाप्त करने पर तो ये तैयार नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ मैंने कहा ना, जैसा कि कुछ आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। पब्लिक से कुछ कहना चाहेंगे कि यदि कोई आवश्यक कार्य जो आरटीओ कार्यालय में तिथि के अनुसार पेंडिंग है, क्या वो यहाँ आके करा सकते हैं? तिथि के अनुसार यदि पेंडिंग है और उस पर पेनाल्टी की संभावना है, या वो प्रपत्र की वैधता एकदम समाप्त हो जाने की संभावना है, तो निश्चित तौर पर उनको आना चाहिए और अपना काम कराना चाहिए और उनका कार्य होगा। आरटीओ ऑफिस में आज कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है ये, और आप देख रहे हैं कि पूरे ऑफिस के अंदर एक सन्नाटा पसरा हुआ है। पब्लिक अपने काम के लिए परेशान हो रही है, लेकिन कर्मचारी क्योंकि अपनी सीट पर मौजूद नहीं है, इसलिए कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। पूरी तरह से आरटीओ आगरा के कार्य में बाधा पड़ चुकी है, और यह हड़ताल 6 तारीख से कल प्रारंभ हुई है और आगे 12 तारीख तक, तो इनका समय ये लोग बता ही रहे हैं कि 12 तारीख तक हड़ताल ये रहेगी, लेकिन ये हड़ताल आगे भी बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली को लेके ये मांग लगातार कर रहे हैं। इस हड़ताल को राज्य कर्मचारी संघ की भी पूरी आश्वासन मिला हुआ है, और शिक्षक संघ, लेखपाल संघ, अन्य जो राज्य कर्मचारी संघ हैं, लगभग पूरे प्रदेश में 200 संघ हैं इस प्रकार के, जो इस हड़ताल को क्रियान्वित कर रहे हैं। और ये हड़ताल लगातार जारी रहने से प्रदेश सरकार पर एक दबाव बनता जा रहा है कहीं ना कहीं, कि यह चुनाव के आने से पहले ये दबाव बनाने का पूरा प्रयास है भाजपा सरकार के ऊपर, कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली का जो मामला काफ़ी समय से लंबित है, इस पर सरकार विचार कर सके। अभी तक कर्मचारियों को कोई आश्वासन नहीं मिला है, आगे देखते हैं ये हड़ताल आखिर कब तक जारी रहेगी। वहीं एआरटीओ आगरा से बात करने पर उन्होंने कहा है कि यह हड़ताल जल्द ही समाप्त हो जाएगी, आगे देखते हैं इस हड़ताल का रुख जो है आखिर पब्लिक पर कितना पड़ रहा है। और दूसरा, इस हड़ताल से सरकार की राजस्व की हानि एक काफ़ी मात्रा में हो रही है। अपने कैमरामैन मुबीन उस्मानी के साथ नीरज रावत, प्राइम 18 न्यूज, आगरा। आगरा से नीरज रावत की रिपोर्ट।